राम जाए है बन राज तजे होए सकल सब खाजो। हे सारे माँ, हम सभी देवताओं पर भारी विपत्ति है, क्योंकि अगर राम का राज अभिषेक हो गया तो ये निशाचर ऋषि मुनियों देवताओं को सताएंगे। इसलिए राम का राज अभिषेक ना होकर वन की ओर आए और सभी देवताओं के कार्य ऋषि मुनियों के कार्य सिद्ध हो। करेण बीणा परवादयंती तथा जपंती अपरेण माला। सरस्वती ताम सिरसा नमामि माँ, हम पर रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे राजा इंद्र, कहिए जो आप सोच रहे हो ऐसा ही होगा। राम का राज तिलक नहीं, अन्यथा उनका वनवास होगा। ठीक है साधे माँ, ठीक है, मैं जाती हूँ मंथरा की बुद्धि फेरने के लिए। हरस हृदय दशरथ पुर आई, जनोग्रह दशा दुसह दुखदाई। चल मेरी माया नाम मंत्रा मंद मत, एफएम वाला माइक ले लो। अभी तो जो मूड मारे ही है बिल्ला दे रहे। भगवान के भक्तों, सरस्वती मैया ने आकर के मंत्रा की जुभ्या पर निवास कर लिया है और अब मंत्रा चली जा रही है और देखते हैं आगे की लीला। और आज हमारे राम राजा बनेंगे, आज हमारे राम, राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, आज हमारे राम राजा बनेंगे। आहा, मैं क्या देख रही हूँ? और दिखे मंत्रा नगरो बनावा, मंजोला मंगला बाजे बधावा। कि सारे नगर में
बड़ी ही धूमधाम से खुशियां मनाई जा रही हैं। देखती हूँ और चल करके पूछती हूँ कि ये किस बात की खुशियां मनाई जा रही हैं। और पूछे सिलो गाना काहे उछाओ, राम तिलक सुने भाओ रगाओ, राम तिलक सुने भाओ रगाओ। अरे बेटा सुक्का, बेटा सुक्का बता काकी। का कह रही है काकी? आज क्या बात है, बड़े ही धूमधाम से सारे नगर को सजाया जा रहा है और सारे नगर में बड़ी ही खुशियां मनाई जा रही हैं। एक बात बता क्या कारण है बेटा? एक बात बता काकी। पूछ बेटा। तू कहाँ रह रही है आजकल? क्या करूं बेटा, सारे दिन महलों की साफ सफाई में लगी रहती हूँ। महलों की साफ सफाई में लगी रहती है, फिर भी तुझे पता नहीं आज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बेटा? तो ना मालूम? मुझे नहीं पता बेटा। अच्छा, जो कहूं बाहर चली गई। कहां चली गई? गई तो कहीं नहीं थी, महलों के काज में इतनी व्यस्त थी। साफ सफाई करते करते सारा दिन गुजर जाता है, मुझे क्या मालूम बेटा कि राजकाज में क्या। काकी आज तो ऐसा शुभ समय है कि अगर तू भी सुनेगी ना तो तू भी खुश हो जाएगी और खुशी खुशी महारानी केके के पास जाएगी। खुशी के मारे तू भी नाचेगी आज तो। हाँ, ऐसी क्या खुशखबरी है बेटा? तुझे नहीं पता? नहीं मालूम बेटा मुझे। बताई दे जाए, बताई दे जाए। जब इतनु जुम्मे पर काकी। हाँ बेटा, आज राजकुमार श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। अच्छा, भरत का राज्याभिषेक होगा? काकी बहुत ही सुंदर बात है बेटा, बड़ी खुशी की बात है। अरे तू ऊंचो सुनते है कैसे? भरत राजा बन जाएंगे तो सारी प्रजा सुखी हो जाएगी। काकी एक बात बता, तूने अपने कान कब से सफा नहीं कराए? ये तो भरत राजा बन गए तो सारी प्रजा खुशी हो जाएगी, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। बड़ा ही शुभ समाचार सुनाया है बेटा तूने। अरे जाने काकी ने साफ सफाई करी है तो जितनी सफाई की जो गंध जाए कान हम भाज पड़ी। और इस लगता से कान पूरी तरह से बंद हो गए हैं, अट गए हैं। राजा रामचंद्र जी राजा बनेंगे। काकी अरे कुछ कह रहा है? हमारे जो राजकुमार है नहीं राम जी, वो राजा बनेंगे कुछ ही क्षणों में। क्या कहा? राम राजा बनेंगे। चल काकी। तो मारे आ रही है काकी। बेटा अरे भगवान रामचंद्र को राज तिलक होएगा। ऐसा नहीं हो सकता, कदापि नहीं होगा ऐसा। राम तिलक सुने भाओ रगाओ, राम राजा नहीं बन सकते मेरे जीते जी। ऐसा नहीं हो सकता, कदापि नहीं होगा ऐसा। करे ही विचारो को बुद्धि कुचाली, आहा मुझे ये क्या सुनने को मिला कि राम राजा बन रहे हैं। मैं क्या करूं, यदि रात ही रात में कोई उपाय नहीं सोचा
तो अनर्थ हो जाएगा, कुछ ना कुछ उपाय मुझे करना चाहिए। जय हो। अब तो विचार बना रही है कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। कुबुद्धि कुचाली साथियों, और भरत मात पे गई बिलखानी, पे गई बिलखानी, का अनमनी कहे से असरानी। महारानी जू पावन लागू, आयुष्मान भव दासी खुश रहो। का अनमनी कहे असरानी, हे दासी तुझे क्या हो गया है, क्या बात है ऐसी जो इस तरह से कर रही है। उतारो दे नाए ले उसासु, नारी चरित कारे और तू मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दे रही है, और ये आंसू बहाकर मुझे त्रियाचरित्र क्यों दिखा रही है। हे दासी, हम सब ने शीस गुथाए हैं, दासी हम सब ने शीस गुथाए हैं, तूने क्यों बाल बखेरे हैं, तूने क्यों बाल बखेरे हैं, तू जो रो रही सगुन सायती है, कैसे लक्षण तेरे हैं। और दासी क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है। हे दासी जो कुछ भी बात है तो मुझसे कहे, क्या बात है ऐसी जो तू बोलती नहीं है। सब हैरान कहे कहे सिकने कोसल राम मई पालो, लखन भरत रे पोता मनो सुने तो बड़ी और सालो, और हे दासी महाराज और श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब कुशल से तो हैं, कहीं इनकी कुशलता में कोई विघ्न वाला तो नहीं है। कहे सीखा दे हमें को माई, कालो कराबी कहे करे बाल पाई,
कहिए। भला मुझे शिक्षा कौन देगा, मुझसे कौन क्या कहेगा, मेरा इस संसार में है ही कौन महारानी जू, मुझसे आप क्या पूछ रही है। नहीं दासी, मैं किसके बल पर घमंड करूंगी। ऐसा नहीं है दासी, तू तो मेरे लिए प्रिय है सबसे। राम चाड़े कोसल के और हे महारानी जू कहिए, यदि कुलसलता के बारे में आप पूछ रही हैं, तो भला राम को छोड़ करके किसकी कुशल हो सकती है, क्योंकि प्रातः काल होते ही महाराज उन्हें युवराज पद देने जा रहे हैं। और पूतो विदेश ना सोचू